आइए प्रारंभ करते हैं आज के क्लास में हम लोग। क्षेत्रीय राज्य, इसी को हम लोग महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रीय राज्य मतलब आपको बता दें 26 शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 वर्ष पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन हमारा भारत एक राजनीतिक सूत्र में बंधा हुआ नहीं था। मतलब अगर बात कर लिया जाए तो हम कहानी कहते हैं, अगर 26 शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात कर लें तो 26 शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा ऐसा नहीं कि भारत नहीं था, हमारा भारत था, जो भी हो कोई बात नहीं है, उस प्रकार का ये नहीं, जल्दी में लिख दिए, भारत था। लेकिन आज जो हमारा भारत है जिसकी राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से ही हमारे संपूर्ण देश का शासन व्यवस्था चलता है, इस प्रकार का कोई तंत्र प्राचीन भारत में या 26 शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं था। हमारे भारत में अलग अलग छोटे छोटे क्या थी, राज्य था, और इस अगर यहां राज्य है तो इसकी राष्ट्रीयता यहीं तक थी, यहां अगर कोई राज्य है तो इसकी राष्ट्रीयता यहां तक थी, यहां कोई राज्य है तो इसकी राष्ट्रीयता, सीमित राष्ट्रीयता के आधार पर सभी राज्य सभी राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। और खंडित राष्ट्रीयता के कारण या लोगों में क्षेत्रीयता की भावना के कारण आपस में ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और जो छोटे छोटे कबीलाई राज्य था धीरे धीरे बड़ा कबीलाई राज्य के रूप में क्या होने लगा, बदलने लगा। उसी कबीलाई राज्य जब विशाल रूप या विस्तृत रूप धारण कर लिया तो नाम पड़ेगा क्षेत्रीय राज्य या महाजनपद। प्रश्न होगा कि महाजनपद कहते किसे हैं, महाजनपद का मतलब क्या होता है, तो महाजनपद का मतलब होता है बड़े राज्य। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो महाजनपद का शाब्दिक अर्थ होता है बड़े राज्य। परिभाषा कर लिया जाए तो महाजनपद महा जोर जन जोर पद, महा का मतलब विशाल, जन का मतलब आदमी, पद का मतलब पैर, माने बहुत सारे लोग जब अपने कुटुंब के साथ अपने समुदाय के साथ अपने मवेशी के साथ अगर मिलजुल कर आपस में रहने लगे एक जगह पर, दूसरी संगठित राजनीतिक इकाई को हम महाजनपद या बड़े राज्य के नाम से, चूंकि इसका अलग अलग भाग में बटा हुआ था तो इसको हम क्षेत्रीय राज्य के नाम से भी जानते हैं। और इन महाजनपदों का विकास कब हुआ था, छठी शताब्दी बीसी में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। और 600 साल पहले हमारे उत्तर भारत की राजनीति में दो दार्शनिक का प्रादुर्भाव हुआ था जिनका नाम था महावीर स्वामी और दूसरा का नाम था गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। तो महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या यूं कह सकते हैं जैन काल में, यूं कह सकते हैं बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में और जैन काल में महाजनपदों का विकास हुआ, या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। महाजनपद माने बड़े राज्य की संख्या कितनी थी, 16 थी। बड़े राज्य की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपद के नामों का उल्लेख
बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र में महाजनपद 16 है। इन 16 महाजनपद के नामों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किताब अंगुत्तर निकाय में है और जैन धर्म के पुस्तक भागवती सूत्र में है। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद के अगर हम शासन की बात करें कि 16 महाजनपद में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो मूल रूप से इन 16 महाजनपद में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। 16 महाजनपद में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। पहला राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। पहला क्या था, दूसरा क्या था? प्रश्न होगा कि राजतंत्र क्या है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाए, राजा के मरने के बाद राजा का बेटा ही अगला राजा बने, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। लेकिन गणतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जहां राजा का ही शासन होता है, लेकिन राजा के निरंकुश होने पर, राजा शासन करने में अयोग्य होने पर मंत्री परिषद के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा राजा का चयन किया जाता था, तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं गणतंत्र। मतलब ऐसी स्थिति जहां राजा का ही शासन था, लेकिन विशेष स्थिति में वरिष्ठ पदाधिकारियों को, सभा के वरिष्ठ लोगों को राजा को चयन करने का अधिकार, तो इसको हम गणतंत्रीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 16 महाजनपद में 14 ऐसे महाजनपद थे जहां राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी और 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला जो राज्य था, एक था वजीसंघ और दूसरा क्या था, मल। सबको गण संघ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बजी गण संघ और दूसरा कौन था, आपको पता है कि बजी गण संघ में 8 कुल का शासन था और मल में 2 कुल का शासन था। तो कुल के शासन को विद्वानों ने एक नया नाम दे दिया, क्या, तो कुलीन तंत्र। क्या नाम दिया? अब कहेंगे कि कुलीन तंत्र क्या है या कुलीन तंत्र कहते किसे हैं, तो कुलीन तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन पर किसी खास खानदान के, खास कुल के लोगों का दबदबा हो, अधिकार। जब शासन पर किसी खास खानदान के लोगों का अधिकार हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम कुलीन तंत्र के नाम से जानते हैं। उदाहरण अगर लिया जाए तो इंग्लैंड इसका उदाहरण होगा, कि जैसे इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन राजा का शासन, राजा के पद पर वही व्यक्ति बैठेगा जो रोम नोव वंश का होगा। किस वंश का होगा? रोम नोव। अगर वो व्यक्ति रोम नोव वंश का नहीं होगा तो राजा के पद पर नहीं जाएगा। तो राजा कोई बने, रानी कोई बने, लेकिन खानदान सेम हो, तो एक ही खानदान का अगर किसी सत्ता पर दबदबा हो, शासन पर दबदबा हो, तो उसको हम कुलीन तंत्र, इसको हम आप लोगों को समझने के लिए खानदान तंत्र भी नहीं, खास खानदान का अधिकार हो गया। कुल थोड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी कठिन शब्द है। तो महाजनपद 16 हो गए। 16 महाजनपद के नामों का चर्चा, बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के पुस्तक भागवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपद में 2 प्रकार के शासन व्यवस्था थे। 2 में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हुआ था, बजीव गण संघ और मल गण संघ, और 14 ऐसे महाजनपद थे राजतंत्र। 16 महाजनपद में अगर सबसे कोई ताकतवर महाजनपद था तो वह था मगध। 16 महाजनपद में सबसे कोई ताकतवर महाजनपद था तो उसका नाम क्या था, मगध।
अब प्रश्न होगा कि सुलहो महाजनपद में मगध के ताकतवर होने के पीछे रीजन क्या था, वजह क्या था? तो मगध महाजनपद के ताकतवर होने के कई कारण थे। पहला कारण कि मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगीर थी। कहा थी? राजगीर को गिरिवराज भी कहते हैं, और जो बच्चा राजगीर गया उसके चारों ओर से पांच गो पहाड़ी। गलत से पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारा एक शहर है कौन? राजगीर। तो ये पहाड़ी ही राजगीर के लिए बाउंड्री का क्या करता है, किला का क्या करता है, काम करता है। पहाड़ी को लांघ कर राजधानी को जितना किसी के बस की बात। मगध की दूसरी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। और आपको पता है क्लास 10 में संस्कृत में दूसरा अध्याय में पढ़ना होगा पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र के विशालता के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। और वहां लिखा गया है कि पाटलिपुत्र को जलदुर्ग कहा जाता है। क्या जी? कि पाटलिपुत्र हमारे भारत का ऐसा एकमात्र शहर है जिसके चारों ओर से नदी ही नदी है। दूसरा ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई ऐसी राजधानी नहीं है जिसके चारों ओर से नदी हो। लेकिन पाटलिपुत्र अपने भारत का ऐसा शहर है, ऐसा राजधानी है जिनके चारों ओर से नदी है, जैसे गंगा है, सोन है और गंडक है। तीन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है, इस कारण सुरक्षित था, ताकतवर था। इसके ताकतवर होने का और भी कारण ले सकते हैं कि मगध में जंगल ज्यादा था और जंगल में हाथी बहुत ज्यादा हुआ करता था। और पहले के राजा महाराजा अपने सेना में हाथी को इसलिए बहाल करते थे ताकि दुश्मन राजा के किला को तोड़ सके, उसके बाउंड्री को ढाल सके। ठीक बात है। ताकतवर होने का अगला कारण कि मगध में कोयला का भी भंडार था और लोहा के अयस्क का भी भंडार था। कोयला से लोहा के अयस्क से लोहा बनाया जाता था, और लोहा से कृषि के औजार, युद्ध के हथियार बन जाते थे। लोहा की अधिकता होने के कारण लोहा से कृषि के औजार बना, भूमि की गहरी जुताई हुई, उत्पादन ज्यादा हुआ। और दूसरी बात, गंगा के दुआब में है, मैदानी क्षेत्र में हमारा बिहार पड़ता है, इस कारण यहाँ की मिट्टी क्या थी, इस कारण ही मगध ताकतवर था। और मगध के ताकतवर होने का और भी रीजन है, वह रीजन ये है कि मगध में जो राजा हुए वो बड़े ही सूरवीर राजा हुए। चाहे आप अजातशत्रु का नाम ले ले, चाहे जरासंध का नाम ले ले, चाहे अशोक का नाम ले, घनानंद का नाम ले, समुद्रगुप्त का नाम ले, ये मगध के बड़े ताकतवर राजा लोग हैं जिनका नाम सुनते ही कई लोग अपना दिशा मोड़ लिया करते थे। जैसे घनानंद के सेना के डर से विश्व विजेता सिकंदर भी, सिकंदर की सेना भी मगध में घुसने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। नहीं, अशोक मगध का ही राजा था जिसने कलिंग युद्ध के बाद अपने सेना को भंग कर दिया, हथियार को त्याग दिया। सेना को भंग करने वाला और हथियार को त्यागने वाला एकमात्र विश्व का राजा कौन? अशोक। लेकिन जब तक अशोक जिंदा रहा, हथियार त्यागने और सेना को भंग कर देने के बावजूद भी किसी पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर अटैक नहीं किया और किसी जमींदार ने अपने आप को स्वतंत्र करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि अशोक ने कहा था हथियार हमने रखा, चलाना नहीं भूला। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या किया था अशोक ने, वो छोड़ो ही तो आम बात हो गई, राजा बने के जो 99 भाई की हत्या कर दिया, बटना का गम हुआ। तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं मगध के, तो मगध के ताकतवर होने का ये सारा रीजन था। तो आइए, हमने कहा कि महाजनपद कितने हैं, तो महाजनपद की संख्या 16 है। महाजनपद कितने हैं? 16 है। तो 16 महाजनपद के नाम के बारे में हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले हम महाजनपद में 16 के नाम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहले महाजनपद पड़ेगा कौन? अंग। कौन पड़ेगा? अंग की राजधानी कहां थी? चंपा या मलिनी। पुराणों में चंपा को मलिनी कहा गया है। पुराण कितने हैं? 18 हैं। पुराण के लेखक कौन है? लोमहर्ष
और उनके पुत्र उग्रसरवा है, जिन्होंने पुराण को क्या किया है, लिखा है। तो चंपा अंग जो महाजनपद था, राजधानी कहां थी, मलिनिया चंपा। और इसकी स्थिति की बात करें, अगर हम इसकी स्थिति की बात कर लें कि अंग की स्थिति क्या है, तो वर्तमान समय में मुंगेर तथा भागलपुर, ये महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। राजधानी तो सब कर लेगा, लेकिन हमसे पूछेगा कि अंग महाजनपद का विस्तार कहां से कहां तक फैलाव, किन किन जिला में था। तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिला में इसका फैलाव था, और इसी अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मिला लिया था, यहां का राजा था चंद्र प्रदोत। हालांकि प्रारंभ में दुश्मनी थी बिंबिसार से, युद्ध भी हुआ कई बार, लेकिन चंद्र प्रदोत जब बीमार पड़ गया, पांडु रोग से ग्रसित हो गया, तो बिंबिसार ने अपना क्या वैध जीवक उसको इलाज करने के लिए भेज दिया था। तो अंग को बिंबिसार ने मगध में क्या कर लिया था, जीत कर मिला लिया था। दूसरा अगर हम महाजनपद की बात करें, तो दूसरा महाजनपद का नाम है काशी। क्या नाम है? और काशी की राजधानी, वाराणसी। वाराणसी का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? यह वरुणा प्लस 80, वरुणा और 80 दो नदियों के संगम पर है, और बनारस की स्थापना राजा वानर ने किया था। राजा का नाम ही वानर था, तो वानर नामक एक राजा ने वाराणसी की क्या किया था, स्थापना किया था। यह वरुणा और 80 नदी के संगम पर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाराणसी। वैदिक ग्रंथों में प्रयागराज नाम दिया गया। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्य जोगीनाथ, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पुनः प्राचीन नाम प्रयागराज यहां पर स्थापित किया। अब सवाल है कि काशी की राजधानी कहां थी, वाराणसी, और यह है कहां। तो उत्तर प्रदेश के बोलिए प्रयागराज या वाराणसी जिला में पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अजात शत्रु ने, किसने, जो बिंबिसार का क्या था, बेटा था, काशी को जीत लिया, मगध में क्या कर लिया, मिला लिया। हालांकि बिंबिसार का विवाह ही काशी महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से हुआ था, गलत सही, लेकिन जब महाकौशला देवी के द्वारा उत्पन्न पुत्र बिंबिसार ने, सॉरी अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया, तो महाकौशला देवी की मृत्यु हो गई, काशी ग्राम वापस ले लिया। अंत में युद्ध के बाद पुनः कौन, बिंबिसार ने क्या किया था, सॉरी अजातशत्रु ने मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार क्या करता था, हार जाता था। अंत में बजिरा से, प्रसन्नजीत की पुत्री बजिरा से विवाह करता है और काशी को प्राप्त कर लेता है, तो बिंबिसार ने मिला लिया। तीसरा जो महाजनपद है वो है बज्जी। क्या नाम है? बिंबिसार के साथ सपना था मिलाने के लिए, मतलब अजातशत्रु से पूरा किया। हाँ हाँ, नहीं मिला सकता वज्जी। तीसरा महाजनपद कौन है? बज्जी। और बज्जी की राजधानी कहां थी? बज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। वैशाली मुजफ्फरपुर के बगल में है, पहले बता दिया गणसंघीय व्यवस्था थी या गणतंत्रीय व्यवस्था थी। और आपको बता दें यह वर्तमान में कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और बिहार का कौन कौन जिला वज्जी के अंतर्गत आता था, आपको जानने की जरूरत है। वह जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। हम लोग बच्ची में थे, यहाँ 8 कुल का शासन था। कोई बात नहीं है, जानकारी उम्र बड़ा हो गया, जानकारी बढ़ाओ क्या। हाँ, तिरुहतपुरा, पूरा तिरुहुत कमिश्नरी इसमें आ जाता। तो वज्जी की राजधानी वैशाली जो बिहार में पड़ता है, और वज्जी गणसंघ में बिहार के कौन कौन जिला पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला पड़ता है। चौथा महाजनपद की बात कर ले, तो चौथा का नाम क्या है, मल्ल। कौन है? मल्ल।
और मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी, क्योंकि दो कुलों का राज था यहां, पहले बोल दिया। तो एक कुल ने राज किया पावापुरी, कहां से किया? और पावापुरी बिहार के नालंदा में पड़ता है, गलत सही, बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। और मल्ल की दूसरी राजधानी थी कुशीनगर, कहां पड़ता है? और यह है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला। तो मल्ल महाजनपद भी छोटा नहीं था, इसका फैलाव बिहार से लेकर यूपी तक था। गन्ना के लिए फेमस है देवरिया जिला, तो पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार तक क्या था फैला हुआ था। हम पांचवा नंबर महाजनपद की बात कर लें तो आता है वत्स, कौशम या कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहां थी? तो कौशम या कौशाम्बी। और यह पड़ता किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कौन जिला? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जिला है, महाजनपद काल में वह वत्स महाजनपद में क्या था? पड़ता था। छठा की बात करें आता है कुरु, इसकी राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। और इसका उल्लेख आपको पता है, कुरु का उल्लेख महाभारत में, क्योंकि पूरी महाभारत की कथा कुरु वंश की कथा है, और कुरु वंश की राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। और आप लेकिन यहाँ कुरु के लिए महाजनपद काल की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है? हाँ, खांडव प्रस्थ। तो कुरु राजधानी महाजनपद काल में कहा थी? इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। और वर्तमान समय में इसकी स्थिति की बात करें तो कहां पड़ता है? दिल्ली में। और कुछ हरियाणा का सीमा भी टच कर लेता है, हाँ, कुरुक्षेत्र के कारण, लड़ाई के कारण, लेकिन रियल कहेंगे तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ही, हरियाणा को छान लिया जाए, बात समझ गए? तो इंद्र दिल्ली में पड़ता है, आज भी इंद्रप्रस्थ स्टेशन है, एक बहुत बड़ा बस पड़ाव भी है और एक बहुत विकसित थोड़ा सा एरिया भी है। सातवां महाजनपद की बात करते हैं तो सातवां महाजनपद कौन था? मत्स्य। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहां थी? विराटनगर। और स्थिति की बात करें तो यह राजस्थान के जयपुर जिला में पड़ता है। कहां? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन इसका क्या है? तो राजस्थान के जयपुर जिला जो है वह विराट महाजनपद में क्या होता, मत्स्य महाजनपद पड़ता है। और मत्स्य महाजनपद के बारे में भी चर्चा महाभारत में है, क्योंकि धूत कीड़ा में जब पांडव अपने भाई दुर्योधन से हार गया, जुआ जब खेला तो अपने भाई से अपना पूरा प्रॉपर्टी हार गया, तो उन्होंने सजा में क्या मिली? 12 वर्ष का वनवास। और 1 वर्ष का क्या मिला था, याद होगा? 12 वर्ष का क्या मिला था? वनवास। और 1 वर्ष का क्या मिला था? अज्ञातवास। उसमें नियम था, अज्ञातवास में यदि आपको मैंने ढूंढ लिया तो पुनः आपको 12 वर्षों के लिए कहां भेज देंगे, हम वनवास भेज देंगे। तो पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था, और विराटनगर मत्स्य महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। आठवां महाजनपद की बात करें तो सूरसेन, कल हमने कहा था इसी सूरसेन महाजनपद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, सही? और सूरसेन की राजधानी कहां है? मथुरा। और भागवत तंत्र का केंद्र भी मथुरा ही है, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का केंद्र कहां है? मथुरा है। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? और यह कहां, किस राज्य में पड़ता है, स्थिति इसकी है? उत्तर प्रदेश का मथुरा ऑलरेडी एक इलाका ही है।
गंधार की बात करते हैं, एक महाजनपद थी गंधार, और गंधार महाजनपद की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। राजा तक्ष ने इसकी स्थापना किया था, तक्षशिला शहर की स्थापना राजा तक्ष ने किया था। स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पिशावर तथा रावलपिंडी जिला में। कहां है? पिशावर और रावलपिंडी जिला में पड़ता है। एक क्रिकेटर है जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था, पाकिस्तान के क्रिकेटर हुए हैं, हाँ शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा। नहीं जानते उनके बारे में आप लोग? बॉलर था, बॉलिंग लेके वो क्रीज पर आ जाता था, कितना जो बैट्समैन था उनका मुंह खुला सो खुला ही रह जाता, कितना तो देखो नहीं करता था। हाँ ये पता कि सचिन से वो डरता था, उसके फास्टर पर अपने महाफास्टर थे, बाउंसर था वो, जो भी हो हमको क्रिकेट का आइडिया ज्यादा नहीं है। सचिन से तो बहुत लोग डरता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी था कि सचिन जब आउट हो जाता है हमको धैर्य आता है, उनका सपनों में सचिन तेंदुलकर को देखते हैं जब मैच होने वाला होता है। तो हमने कहां तक पढ़ लिया? गंधार पढ़ लिया ना। अगला महाजनपद हो जाएगा कौन? नौमा, जो कंबोज नाइन हो गया था, दसवां नंबर हो गया, नंबरिंग में दसवां की बात है। कंबोज हाटक, और हाटक को राजपुर भी कहा जाता है। और महाजनपद काल में, प्राचीन काल में कंबोज क्यों प्रसिद्ध था? हाँ, अच्छी किस्म के घोड़ा के लिए, उत्तम किस्म के या अच्छे किस्म के घोड़ा के लिए कंबोज महाजनपद क्या था? फेमस था। प्रश्न होगा कि सर कंबोज पड़ता कहां है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में पड़ता है, या भारत के जम्मू कश्मीर के कौन जिला में? राजौरी जिला में पड़ता है। 11वां नंबर महाजनपद की बात करें तो पहले ही चर्चा हो चुकी है मगध, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह, इसको राजगीर भी कहते हैं, राजगीर को हम बसुमती के नाम से भी जानते हैं, पहली राजधानी। और दूसरी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। आपको पता है कि मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार ने किया, कल के क्लास में चर्चा होगी हमारी, और बिंबिसार ने ही राजगीर को सबसे पहले राजधानी बनाया, और बिंबिसार का ही प्रपौत्र तब उदयन या उदयन मगध का राजा बना, तो पाटलिपुत्र राजगीर के जगह पर पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। और यह पड़ता कहां है? स्थिति की बात करें तो बिहार में पड़ता है, बिहार का पटना गया, क्या गलत सही? हाँ हाँ बहुत पहले तो पटना और गया जिला का कुछ हिस्सा ये मगध महाजनपद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 12वां नंबर जो महाजनपद था अस्मक, क्या नाम है? अस्मक की राजधानी पोटन या पोतली, अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली थी, या वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? गोदावरी नदी के किनारे, नदी किनारे। एक बात मैं आपको बता दूं, 16 महाजनपद में 15 महाजनपद ऐसा है जो उत्तर भारत में है, एकमात्र महाजनपद जो कहां है? दक्षिण भारत। 16 महाजनपद में 15 महाजनपद ऐसे हैं जो कहां है? उत्तर भारत में है। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में पड़ है अस्मक, राजधानी कहां है? पोतन या पोतली, जो किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। क्या होता है इसका सिचुएशन है, स्थिति है।
अगला जो 13वां महाजनपद जो हम चर्चा करेंगे नाम है अवंती। कौन है? अवंती। लेकिन अवंती आपको बता दे दो भागों में बता हुआ था, नाम था उत्तरी अवंती, अदुमे दक्षिणी अवंती। अवंती दो गुट में बटा हुआ था, एक का नाम था उत्तरी अवंती और दूसरे का नाम था दक्षिणी अवंती। अवंती की स्थिति, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की राजधानी कहां थी? महिष्मती। जानिए रहे बाहुबली जो फिल्म बनी है ना, इसी महिष्मती महाजनपद पर ही बना है। बहुत ही विशाल साम्राज्य था महिष्मती। तो महिष्मती इसी अवंती महाजनपद का एक शहर था, वहां एक राज्य हुआ करता, तो उसी राज्य के बारे में पूरा चर्चा है। कहानी फिल्म है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, सही घटना दिखाया कि राजतंत्र में कैसे षड्यंत्र तोड़ जोड़ चलता था, पूरी कहानी के बारे में चर्चा है। पड़ता कहां है इसका सिचुएशन की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मालवा का जो क्षेत्र वहां पड़ता है। अवंती के बाद आता है पांचाल, किसका नाम आता है? और पांचाल भी दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी की बात करें तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रम कहां थी? अहिछत्रम। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहां थी? कांपिल्य। हमने कहा इसी कांपिल्य की राजकुमारी थी कौन? द्रौपदी, जिसने प्रतिज्ञा किया था द्रौपदी मुर्मू नहीं, वो तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है। मैंने कहा वर्तमान में जो है और इंडिया की सेकंड लेडी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रश्न है दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, इसी कांपिल्य की राजकुमारी थी पांचाली, जिसका ओरिजिनल नाम था द्रौपदी, जिसने प्रतिज्ञा किया था कि हम उसी से विवाह करेंगे जो इतना निशानेबाज हो कि नीचा तेल खोल रहा है और उसके ऊपर मछली टांगा हुआ है, यंत्र में जो नाच रहा है, मछली तेजी गति से नाच रहा है पानी में, उसका छाया बनना है, देखना है पानी में, मारना है आंख में, मुंह पर नहीं, कहीं तो कोई निशाना लगा देगा लेकिन सीधा आंख में जाकर तीर लगेगा, देख बिना देखा ले, उसी से मैं शादी करूंगा। सारा योद्धा असफल रहे, अर्जुन निशाना लगाया था, अपवाद है, और अर्जुन निशाना लगाया तो द्रौपदी की शादी किससे हो गई? अर्जुन से हो गई। तो कांपिल्य, अब कहेंगे सर ये पड़ता कहां है पांचाल? तो उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड, ये पड़ता है, स्थिति की बात कर दे तो उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड एक इलाका है। कौन है? रोहेलखंड के इलाका में पड़ता है। बोली रोहेलखंड में दो गो जिला आ जाता है लेकिन मेन रोहेलखंड क्या है, ठीक है। अब अगला जो महाजनपद 15वां की बात कर लें तो कौन होगा? चेदी। कौन थी? इसकी राजधानी कहां थी? शक्तिमती। कहां थी राजधानी? चेदी की राजधानी शक्तिमती। और यह पड़ता कहां है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। और 16वां जो महाजनपद है कौशल, क्या राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। पर आपको बता दें और
यह वर्तमान स्थिति का है तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नाम सुने हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और अयोध्या का अन्य नाम भी है फैजाबाद। मैं ये पढ़ता हूं, ये रहा 16 महाजनपद उसकी वर्तमान और प्राचीन स्थिति दोनों के बारे में लोगों ने चर्चा किया।